नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर जो जुर्माने की भारी भरकम राशि है, चर्चाओं का बाजार गर्म है और हमारे साथ झारखंड के परिवहन मंत्री सीपी सिंह जी हैं। एक लगातार जो लोगों में आक्रोश था सर, उस पे थोड़ा सा विराम आप लोगों की तरफ से हुआ, क्या आपने रियायत दी है? नहीं, अभी तो रियायत हमने दिया है कि 3 महीने तक यदि किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो ड्राइविंग लाइसेंस बना ले, किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है तो इंश्योरेंस करा ले, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करा ले, किसी के पास पॉल्यूशन का लाइसेंस नहीं है वो पॉल्यूशन करा ले, या अन्य जो भी चीज़ें हैं वो 3 महीने में दुरुस्त करा ले। अब सवाल है कि हेलमेट में कोई छूट नहीं है, क्योंकि हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, दारू पी के नहीं चलाना, ये तो आवश्यक है ना, इस पर कैसे छूट दिया जा सकता है? अब उसके बाद भी लोग नहीं करेंगे तो सरकार क्या करेगी? क्या सरकार छूट दे देगी आपको जो इच्छा है वो करे? ये काम तो नहीं हो सकता है। इसीलिए सरकार ने लोगों की भावनाओं को देखते हुए, उनकी समस्याओं को देख ये कदम उठाया है कि 3 महीना पर्याप्त समय है कि आप उसको। उसके अलावा हमारी सरकार परिवहन विभाग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाने का, प्रचार प्रसार के माध्यम से, तो इस प्रकार उस 3 महीने तक ये काम करेगी ताकि लोग सारी चीजों से भिज्ञ भी हो जाए और अपने कागज पत्र भी दुरुस्त करा लें। सर, आप शहर विकास मंत्री भी हैं, जिस तरीके से गाड़ियों की आबादी बढ़ी है सड़कों पर, लेकिन हमारे सड़क जो है वो उस तरीके से बढ़े नहीं, लोगों को परेशानी हो रही है, इस पर क्या? नहीं नहीं, बात सही है, आबादी बढ़ रही है तो सड़क कोई रबड़ तो है नहीं कि रबड़ की तरह उसको खींच कर बढ़ा दिया जाए। सड़क बढ़ाने की बात आती है तो कोई जमीन, कोई अपना मकान तोड़वाना नहीं चाहता है। तो सवाल वही है घूम फिर करके ना कि एक घर में चार चार गाड़ियां, देखिए हर चीज का साइड इफेक्ट भी तो है, हर चीज का साइड इफेक्ट है। आप गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो लोग कहेंगे कि ये उद्योग में, गाड़ी उद्योग में बड़ा मंदी आ गया। गाड़ी खरीदेंगे तो कहें सड़कें नहीं है, सड़कें बनाने जाइएगा तो विरोध होगा। तो इसी के बीच चलाना है, इसी को व्यवस्थित करने का काम करना है। एक अंतिम सवाल, रांची भी 100 शहरों में है जिसको स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करना है, उसकी गति थोड़ी धीमी है, इसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते रहे, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, कोई सवाल खड़े नहीं होते, सवाल आप लोग जैसे लोग खड़े करते हैं, माने मीडिया के लोग खड़े करते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए क्यों गति बीच में स्लो हुई थी। इसलिए हुई थी कि तरह तरह के कानून है, चट्टाने निकल गए नीचे। अब चट्टाने निकल गई तो एचिस एरिया में चट्टान को तोड़ना भी आसान काम नहीं है, उसको फिर ब्लास्ट करना होगा, तरह तरह की चीजें होती है। दूसरा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना था, उसमें समय लगा। और आज खुशी होना चाहिए कि पूरे देश के अंदर स्मार्ट सिटी का जो चल रहा है उसको तीसरा स्थान है, तो बिना काम हुए तीसरा स्थान मिल गया क्या? कोई झारखंड सरकार का मुंह देख के या सीपी सिंह का मुंह देख करके तो तीसरा स्थान नहीं मिला है, पहले चौथे स्थान पर, हम तीसरा स्थान पर हैं और हमारी इच्छा है कि पहले स्थान पर हैं। काम हो रहा है तब तो हो रहा है। चलिए, पहले स्थान पर हैं, बहुत सारे आपके द्वारा शुरू की गई योजनाएं जो हैं वो शायद अगली सरकार का गठन होगा, अगली सरकार के गठन को लेकर बस ये अंतिम प्रश्न, क्या संभावनाएं देख रहे हैं और क्या दावे हैं? ये दावे तो जग जाहिर है, दावे कोई छिपा करके तो नहीं हो रहे कि अब की बार 65 पार। ये दावे सिर्फ दावे नहीं है, ये हकीकत में बदलने वाली है इस चुनाव में, इसलिए अगली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, परिवहन विभाग का जिम्मा है, नगर विकास के मंत्री हैं सीपी सिंह और बहुत अनुभवी हैं, लेकिन इसके साथ ही जो विकास को गति देने की बात है उसमें आम जन सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन आगे 3 महीने के बाद चुनाव है, देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री महोदय के दावों पर जनता कितनी मुहर लगाती है। कैमरा पर्सन सुरेन प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV रांची।